दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाल मिट्टी के बारे में। तो लाल मिट्टी हमारे पौधों के लिए कैसी होती है, फ़ायदेमंद होती है, नुकसान करती है, तो यही सब आज आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि जो लाल मिट्टी होती है वो कहाँ से आती है। तो लाल मिट्टी फ्रेंड्स जो है चट्टानों की टूट फूट से जो है बनती है, और मिट्टी के जब संपर्क में आती है तो जो है ये हल्की पीली पीली सी दिखने लगती है। और लाल मिट्टी का कलर जो होता है थोड़ा चॉकलेटी सा होता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लाल मिट्टी जो है एसिडिक होती है, और ऐसी मिट्टी जो है हमारे पौधों को अच्छी लगती है, खासकर जो गुलाब होता है या गंधराज होता है। तो इस तरह के जो फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं इनको एसिडिक मिट्टी ज़्यादा पसंद होती है। तो इसमें आप जो है नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र ज़्यादा दीजिए, क्योंकि इस मिट्टी में जो है आयरन और पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। लाल मिट्टी में आयरन होता है, पोटेशियम कैल्शियम की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि इसमें जो भी हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करें अपने पॉट्स में, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जिसमें हो ज़्यादा, वो वाले जो है फर्टिलाइज़र ज़्यादा देने चाहिए हमें लाल मिट्टी वाले पौधों में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आयरन पोटेशियम कैल्शियम होता है। तो नाइट्रोजन वाले जो होते हैं फर्टिलाइज़र वो हमें अपने प्लांट्स में देने चाहिए, वो हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों, हमारे पौधों के लिए जो है हर प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है, बस हमें उसको यूज़ करना आना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि लाल मिट्टी जो है सूखने के बाद पत्थर जैसी हो जाती है, तो उसको हम कैसे यूज़ करें कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो जैसे ही हम लाल मिट्टी में जब पानी डालते हैं तो वो कीचड़ जैसी हो जाती है, और लाल मिट्टी को हम कैसे यूज़ करें ताकि वो हमारे पौधों को नुकसान ना करे, और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जो है पौधे के रूट बॉल को पूरी तरह से खाली नहीं करना चाहिए, हल्के हल्के हाथों से जो है उसकी मिट्टी हटा दें, और उसमें बालू की मात्रा जो रेत होती है उसको ज़रूर मिला लें, बालू की मात्रा ज़्यादा रखें उसमें और मिट्टी मिला लें, और उसको मिलाकर जो है आप अपने पौधे को रिपोर्ट करें, क्योंकि हमारे पौधों को जो है भुरभुरी मिट्टी ही पसंद होती है, ताकि भुरभुरी मिट्टी में जो हमारे पौधों की जड़ों का विकास जल्दी होता है। तो इसीलिए जब रेड मिट्टी में लगा हुआ प्लांट हम नर्सरी से ख़रीद कर लाते हैं तो उसके रूट बॉल को बिना डैमेज किए हुए जो हम पॉटिंग सॉइल बनाएंगे उसमें हमें रेत ज़रूर मिलानी है, और रेत और मिट्टी और खाद मिलाकर ही अपने जो प्लांट है उसको रिपोर्ट करेंगे, तो हमारे पौधे को कोई भी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और उसकी ग्रोथ जो है चलती रहेगी। दोस्तों, लाल मिट्टी में जो है आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसी के कारण मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल दिखाई देने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो आपको ये गुड़हल का प्लांट दिख रहा है तो ये लाल मिट्टी में ही लगा हुआ था, क्योंकि आजकल जो भी वैरायटी आती हैं वो पूना या बंगलोर की वैरायटी होती हैं, तो वहाँ की मिट्टी जो होती है वो रेड ही होती है। तो आपको दिख रहा होगा, ये शो हो रहा होगा कि ये भी रेड मिट्टी में ही लगा हुआ था। तो मैंने भी इसकी रूट बॉल को बिना छेड़े हुए पूरी तरह से नहीं हटाया है, इसको ऐसे ही रिपोर्ट किया है, और आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ फिर भी चल रही है, ये अच्छा ग्रोथ कर रहा है, और इसमें फ्लावरिंग भी देखिए स्टार्ट हो गई है, और ये दो तीन बार फ्लावरिंग कर भी चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी बर्ड्स इसमें आई हुई हैं। कल तो ज़्यादातर प्लांट जो हैं वो लाल मिट्टी में ही लगे हुए आते हैं, क्योंकि वो पूना या बेंगलोर से ही आए हुए होते हैं, तो जो न्यू गार्डनर होते हैं उनके लिए थोड़ी समस्या हो जाती है कि हम कैसे इनको रिपोर्ट करें, मतलब पूरा अगर रूट बॉल खाली करते हैं तो पौधा मर जाता है। तो इस तरह की समस्याएं जो होती हैं हमारे सामने आ जाती हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप बिना रूट बॉल खाली करे भी अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, उसमें जो उसका पॉटिंग सॉइल है अच्छा सा बनाकर। तो आप देख सकते हैं कि मेरी मिट्टी, मैंने इसकी पूरी रूट बॉल खाली नहीं किया था और इसमें इस तरह की जो है मिट्टी बनाई है,
और आगे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने जो अभी प्लांट अपना एक रेड मिट्टी का है उसको मैंने रिपोर्ट भी किया है, तो आप उसको भी आगे देखिएगा। वो मेरा कुंद का प्लांट है, तो उसकी भी रूट जो है वो प्लांट भी रेड मिट्टी में लगा हुआ है, तो मैंने उसकी भी रूट बॉल को पूरी तरह से खाली नहीं किया है और उसको ऐसे ही रिपोर्ट किया है। तो आप उस वीडियो की क्लिप भी मैं आगे डाल दूँगी, आप ज़रूर वॉच करिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिएगा, कैसा लगा मेरा आज का टॉपिक ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स। तो फाइनली दोस्तों, मैंने इस प्लांट को इस प्लांटर से निकाला है और देखिए इसकी हालत क्या हो रखी है। ऐसे प्लांटों को निकालना भी फ्रेंड्स एक टास्क होता है कि काफ़ी देर बाद एक तो ये निकला, पूरा रूट बाउंड हो चुका, पूरा चिपका हुआ था प्लांटर से। और किस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने तोड़ तोड़ के इसको निकाला है और कितना ज़्यादा रूट बाउंड हो रखा है, तो बहुत ही मुश्किल से प्लांट निकल पाया है। तो पूरा पॉट ही मुझे ये तोड़ना पड़ा। चलिए मैं इसको रिपोर्ट कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आगे आपसे।